बस मुझे मतलब मेरे जितने भी फैंस हैं और सोशल मीडिया में जितने भी लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मेरे फॉलोअर्स इतने जल्दी बढ़ते, लाइक अभी तुरंत फिर 10.1 भी हो गया. मतलब मैंने देखा, हम बोले यार जल्दी से सेलिब्रेट कर लो, पता नहीं फिर कब 11 मिलियन हो जाएगा. तो एक होता है ना कंटिन्यूसली, ये लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग. उसने ही मुझे बनाया है और सब कुछ जो भी है सोशल मीडिया पर आके ही हम किए, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. सो मनीषा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने घर से भागना डिसाइड किया था, क्या आप अभी उसे ये समझते कि आपको राइट डिसीजन था, क्योंकि आज आपने घर भी खुद का बना लिया, आपने गाड़ी भी ले ली, आपने रियलिटी शो भी कर लिया, तो वो डिसीजन को आज आप रिग्रेट नहीं करती हो? बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि अगर शायद वो डिसीज़न नहीं लिए रहते तो आज हम यहाँ नहीं रहते. तो मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे आगे जाके कभी भी रिग्रेट फील नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हो आप अपने दम पे कर रहे हो, और आपको पता है कि आप करोगे तभी आपका लाइफ बन सकता है. तो इसकी अगर बात करें 10 मिलियन की, तो भी आगे चल के किस तरीके कंटेंट डालेंगे, क्योंकि इतनी सारी फैमिली बन गई तो कंटेंट बहुत मैटर करेगा. किस तरीके कंटेंट पे काम करेंगे आप आगे? देखो अभी मेरा क्या है, क्योंकि लोगों को मेरा डांस भी बहुत पसंद आता है, तो मुझे ना एज अ वर्सेटाइल क्रिएटर काम भी करना है, क्योंकि फिर मेरे को डांस भी करना है, एक्टिंग भी करना है, कॉमेडी भी करना है. तो मतलब मेरा है कि हमको सिर्फ एक जोनर में काम नहीं करना है. आई नो मेरा वो मेरा जोनर है कि लोग को मेरे फ़नी वीडियोज़ पसंद आते हैं या बिहारी एक्सेंट में पसंद आते हैं, बट मेरे को डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करनी है, चाहे वो डांस तो खैर हम करते ही हैं, बाकी और जो भी हो सब करना है. ओके, डांस से बात करूँ, आपको डांस शो भी रियलिटी शो करना था, बट उसके लिए कभी आप आ रही, क्योंकि डांस दीवाने भी आ रहा है और झलक तो आ ही चुका है कि आपको अप्रोच किया गया था इस चीज़ के लिए. अभी भी किसी चीज़ को लेके बात चल रहा है, मे बी अभी आप लोग को आने वाले टाइम में सरप्राइज़ मिल सकता है, बट आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ, क्योंकि अभी क्या होता है ना बहुत चीज़ों पे डिस्कस होता है, तो अभी बोल दो फिर बाद में क्या होनी हो, तो अभी आगे जो होगा आप लोग देख लीजिएगा. पापा का क्या रिएक्शन था, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया आपने, पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश है और वो एकदम प्राउड फील करते हैं, और आज भी कहते हैं कि मेरे बिहार में हम यहाँ भले ही रहते हैं, बट इवन दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, मेरे घर अब मनीषा के घर से जाना जाता है. कोई भी लोग क्रॉस करता है तो बोलते देखो देखो मनीषा का घर है, मतलब तो बिहार में तो मेरे पापा हो, मेरे फैमिली हो, सब बहुत प्राउड करते हैं. इवन पूरा शहर भी अब मनीषा रानी के नाम से जाना जाता है, मेरा मुंगेर. योगी जी, मनीषा बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रही हो और किसे सपोर्ट कर रही हो बिग बॉस 17 में? हम सच के हम बिग बॉस 17 बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर हम देखे रहते तो पक्का किसी ना किसी को कर देते, बट नहीं देखे हैं. हाँ मनीषा, इसके अलावा क्या किस तरह से प्लानिंग है आपको, क्या बेसिक प्लानिंग है OTT या फिर कुछ टेलीविजन की तरफ रुक करें, क्योंकि हम देख रहे हैं OTT के कई लोग ने जो OTT में ऑलरेडी थे अलग अलग एरियाज में वो लोग ने रुक किया है, आप म्यूजिक एल्बम को लेकर रुक कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट OTT, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो? देखिए मेरा अभी मानना है कि अभी लाइफ में मुझे वो सब मिल रहा है धीरे धीरे जो मैं हम सपना देखे थे, और मेरे को आगे अपने आप पे पहले काम करना है. हम लाइफ में पहले भी बताएं कि हम कभी एक्टिंग नहीं सीखे, डांस नहीं सीखे, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पहले इतना काबिल बना दें कि एक साल बाद भी अगर शायद आप मनीषा रानी को देखें तो थोड़ा और अलग लेवल पर देखें और बोले कि मनीषा ने अपने आप पर मेहनत किया, वो हार्डवर्क की, सीखी, और अब जाके, क्योंकि अभी तुरंत निकले 4-5 महीने में सब कुछ नहीं मिल जाता और सब कुछ नहीं कर लेते, पहले अपने आप को उस काबिल बनाए कि हम बोले सामने जाके कि हाँ कॉन्टैक्ट तो कहने का सब भी का मेरे पास है. अभी अनीस बाज भी कभी कॉन्टैक्ट है, तो अभी हम जाके बोलेंगे सर हमको ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, जब मेरे में टैलेंट रहेगा तो वो सामने से चल के आएंगे, बोलेंगे मनीषा आप इसके लिए फिट हो. तो हम खुद ही चाहते हैं कि थोड़ा हम अपने आप पर मेहनत करें, और मेरा भी सपना है कि हमको आगे मूवी करना है और सोशल मीडिया पर राज करना है, हमेशा छा ही रहना है, जैसे अभी आप लोग इतना प्यार करते हैं, भागे आ जाते हैं, शायद वो दिन कभी ना जो मनीषा रानी को कॉल करके बोला अरे प्लीज आ जाइए. तो बस हम बस इतना ही चाहते हैं कि इतना मेहनत करें कि आप लोग सब हमेशा मेरे साथ रहे और सारे ऑडियंस का भी प्यार मिले. अरे भैया हम बिग बॉस देख ही नहीं रहे हैं कसम से, तुम कैसे बोलते हैं, एकदम बिग बॉस नहीं देखे. रिसेंटली अभिषेक से मिली, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है साथ में, उनका सॉन्ग आने वाला है, क्या कहना चाहूँगा? अरे उस पर तो मत ही पूछिए, कि हम लोग अभी भी 2-3 अलग अलग लेबल से बात चल रहा है, फिर कुछ ना कुछ, इसलिए उस मैटर पे हम बोलना नहीं चाहेंगे, बट दिल से अभिषेक का हम दोनों चाह रहे कि हो जाए. अब लेट्स सी इस पे क्या देखते हैं कब क्या होगा. एल्विस का कुछ अपना इनका रह गया था, बता दो. एल्विस के साथ एक आ चुका है, इन फ्यूचर कभी कुछ होगा तो देख लीजिएगा. लास्टली एक और क्वेश्चन, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, आपने कंप्लेंट भी फाइल की है उनके
मैंने मैंने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की. नहीं, रियली मैंने नहीं किया. अगर करी रहती तो मेरे को पता चलता, शायद पता नहीं मेरे नाम से. देखिए अभी बस बात ये कि मनीषा रानी फेमस है, कोई भी सोच रहा है कि यार सट के चाहे निगेटिव में हो पॉजिटिव में वायरल हो जाए, पर मनीषा रानी घंटा उनको कोई भाव नहीं देने वाली. वो लोग मर जाएंगे कि हम लाख हाथ पाओ ऐसे वैसे कर ले, कुछ भी कर ले, पर मनीषा रिस्पॉन्स दे. मनीषा घंटा भाव नहीं देगी भैया. लाइक व्यूज हम खुद के चैनल पे उठाएंगे कि तुमको उठाने देंगे. मनीषा रानी की एक आखिरी सवाल, मनीषा पार्टी आपकी यहाँ पे, बट यहाँ पे शादी भी हो रही है. अच्छा. बट आपसे जानना चाहेगी आपकी बेल रिंग कब हम आए वहाँ. अरे यार, हाँ बेल रिंग लास्ट क्वेश्चन है. साथ ही जय हो मनीषा रानी.